हेलो डी स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, और इंटीजर्स रिलेटेड ये चैप्टर है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट की अगर वीडियो लेक्चर को आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा तो चीज़ें आपको बहुत ईजी वे में समझ आएंगी। 3 में अगर -1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर होता है -3, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर होता है वो -3 ही होगा, माइनस होता है। अगर हम इसमें करें तो माइनस का 2 to 5 होगा इसका आंसर। सेम इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं और इस दोनों देखिए, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना तो प्लस हो जाता है, और 30 में जब हम 21 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 630 होगा इसका आंसर, क्योंकि प्लस में आएगा नंबर ये। इसी तरीके से अगर हम माइनस माइनस देखें तो प्लस हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 316, राइट। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं, जीरो में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वो माइनस का हो प्लस का हो, जीरो हो जाता है वो नंबर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर इसकी बात करें तो माइनस और माइनस प्लस होता है, और 12 में अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 का, 120 में अगर 11 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हो तो 132 यानी 1320 होगा इसका आंसर, राइट। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें, 9, 3 और 6 है तो 6 और 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 18 होगा, और 18 में 9 का मल्टीप्लिकेशन करने पे 6, 162 हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, 162 हो गया करेक्टली यहाँ पे। और यहाँ पे देखें तो 5, 4 20 होता है, 20 में 18 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 360 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर प्लस का मल्टीप्लिकेशन अगर हम माइनस के साथ करते हैं तो ये माइनस का 360 होगा, राइट। और अगर हम यहाँ पे देखें -1 × -2 × -3 × 4, तो आप देखोगे कि माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस, माइनस माइनस इंटू 4 ही हो जाएगा, माइनस का 24, राइट। 4 3 12 और 12 2 24, राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें और देखें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 6 3 18, 18 में अगर आप देखें तो ये 18 2 36 होगा, और 36 हो गया कम्प्लीटली, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईजिली, राइट। सो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, तो 36 हो गया कम्प्लीटली। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे, इसको वेरीफाई करना है, 18 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ, 18 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ में, सो 18 7 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 18 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 126 हो जाएगा, और ये 54 हो जाएगा माइनस का, सो 72 आ जाएगा। और इसको भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो भी 72 आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, वेरीफाइड है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे भी अगर सॉल्व करते हैं, देखिए ये 6 और 4 हो जाएंगे 12, और 12 में अगर 21 का मल्टीप्लिकेशन, 6 और 4 10 होंगे, और 10 में अगर 21 का 210, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे 210, तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही वेरीफाइड हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि क्या कोई इंटीजर -1 A के इक्वल होगा, तो इसका अगर A में किसी नंबर का, 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो माइनस ए होता है, एडिटिव इनवर्स है उसका। डिटरमाइन करना है इंटीजर्स वो प्रोडक्ट विथ -1 -1 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर 2 का करते हो ना, -22 का, तो -22 होगा। इसमें अगर करते हो -37, 1 0 में करते हो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाइड, तो प्रोडक्ट विल बी 0, उसका जो रिजल्ट होता है वो 0 ही होता है। और अगर हम बात करते हैं 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4th में -1 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आप देखिए पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 -1 × 5 5, -1 × 4 -4 -3, और ये -2 और ये -1 और ये 0, राइट। तो 5 4 3 2 1 0, इस तरीके से आप आंसर्स को देख सकते हो, और बहुत आसान है इक्वेशन को समझना, पैटर्न को बनाना बहुत आसान है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन यहाँ पे -48 को कॉमन लेकर के और इन दोनों को प्लस करके आप सॉल्व कर लीजिए, ये 10 हो गया, यानी कि 480 आंसर हो जाएगा कम्प्लीटली, क्योंकि अगर -10 का -48 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 480 हो जाएगा। और अगर हम बात करें 8 × 53 × -125, तो आप कह सकते हो कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कमिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू 53,000 हो जाएगा, राइट। और अगर हम आगे बढ़ते हैं 25 में 4 का करते हैं 100, और 100 में 10 का करेंगे, 1000 में अगर 15 का करते हैं तो 150 × 100, यानी कि 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर डी के बारे में, तो -41 × 102, सो -41 और 102 में करेंगे तो 100 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4100 + 41 × 2,
राइट, तो ये हो जाएगा 4100 प्लस माइनस का 82, राइट, ये हो जाएगा 4182, राइट, ये एग्जैक्टली इसका आंसर होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 625 में अगर -35 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और 625 में अगर 65 का करते हैं, तो आप देखोगे इजिली जो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में माइनस का 100 हो जाएगा, तो ये 625 00 होगा, राइट। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें सुटेबल प्रॉपर्टीज़ के, तो 50 में 2 को माइनस करेंगे 48 होगा, 48 में अगर हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 50 माइनस 2 करते हैं, तो ये 50 हो जाएगा 50 माइनस 7, 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू 4, तो 150 इंटू 14, सो 336 इसका आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व करेंगे अगर हम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, ये जो 17 है एक बार 30 के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और -17 1 के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे 510, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे माइनस का 17 होगा, और ये इनका जो आंसर होगा वो 493 आ रहा है, राइट। और क्वेश्चन नंबर अगले के बारे में बात करते हैं, जो कि यहाँ पे भी देखें तो सॉल्व कर सकते हो आप इजिली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। 19 + 120, यानी कि यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1140 होगा। अगले क्वेश्चन में अगर आप देख पा रहे हो तो सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आंसर 1140 सेम रिपीट हो गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड रूम टेम्परेचर विल बी लोअर्ड फ्रॉम द 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। 10 घंटे बाद क्या होगा, जब ये प्रोसेस 10 घंटे बाद क्या होगा अगर वो 40 डिग्री सेल्सियस पे रेट से क्या हो रहा है लोअर होता जा रहा है। तो अगर आप देखें तो एवरी आवर 500, 10 आवर में 50, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उस रूम का टेम्परेचर। एक क्लास टेस्ट में दिया हुआ है कि कंटेन कर रहा है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है जिसमें कि 5 मार्क्स अवॉर्डेड किए जा रहे हैं, करेक्ट आंसर्स के लिए 2 और इनकरेक्ट के लिए जी इनकरेक्ट के लिए यहाँ पे -2, और अगर कुछ नहीं किया 0 अटेम्प्ट नहीं किया है तो। करेक्ट के लिए 20 हो गए 5 × 4, और 6 इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके, तो 6 × -20 -12 हो गया, और टोटल स्कोर 12 - 8, यानी कि 8 मार्क्स उसके आए हैं, राइट। इसी तरीके से रेशमा के 5 करेक्ट आंसर है, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 इनकरेक्ट है 5 × -2 - 10, तो इसके आगे 15, क्योंकि 25 में से अगर 10 को माइनस करेंगे तो 15 आंसर होगा। हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स, व्हाट सी हर स्कोर। तो आप देखोगे कि 2 करेक्ट आंसर 2 × 10 हो जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा, 5 इनकरेक्ट आंसर्स हैं 5 × -2 यानी कि -10 हो जाएगा। अगर हम टोटल स्कोर्स देखें तो 10 - 10 ये 0 हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स को इजिली फाइंड आउट कर पाओगे। एक सीमेंट कंपनी है जो कि प्रॉफिट अर्न करती है 8 रुपये पर बैग के हिसाब से व्हाइट सीमेंट बेचने पे, और ग्रे सीमेंट पे उसको लॉस हो रहा है, तो उसने क्या किया है कि 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के हैं, तो 3000 × 8 यानी कि 24,000, और 5 रुपये ग्रे सीमेंट में उसको घाटा हो रहा है, राइट। तो 5 रुपीज़ पर बैग ग्रे का, तो 5 रुपये के हिसाब से 5 25 25,000, इसको आप टोटल का माइनस करेंगे डिफरेंस इनका, 1,000 रुपये का क्या हुआ उससे लॉस हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे वाइट बैग्स का दिया हुआ है लॉस ऑफ कंपनी 1,000 और नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड 64,000 ग्रे, तो यानी कि 5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 32,000 हो जाएगा, और 32,000 नॉट ये टू हैव अ प्रॉफिट और नॉर लॉस द वाइट बैग शुड बी इक्वल टू ग्रे बैग्स, इसके बराबर होना चाहिए, और 8 रुपये उसका हो रहा है, तो 8 से डिवाइड करेंगे 4000 बैग्स बेचेगा तब जाकर के इस नो प्रॉफिट नो लॉस पे होगा, 32,000 उसको मिलेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 9 से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 21 हो जाए, 27 हो जाएगा, सो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं -9 आ जाएगा, -3 और -9 यानी कि 27 हो जाएगा कम्प्लीटली इसका आंसर। यहाँ पे अगर देखें 7 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे माइनस का, तो 35 हो जाएगा माइनस का। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो 7 हो जाएगा, जिसमें कि 8 8 8 7 जैसे 56 हो जाता है, तो 7 यहाँ पे होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर 11 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली आपका 11, यानी कि ये डिवाइड का साइन है, राइट। यहाँ पे होना चाहिए डिवाइड, ये डिवाइड है, राइट, और डिवाइड करने पे क्या आ रहा है माइनस का 11 आ रहा है, राइट, तो माइनस का 11 आना चाहिए। सो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज थी
1.3, वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारी जो व्हाट्सएप नंबर है इसके साथ जुड़ सकते हो, डाउट सेशन के लिए जुड़ सकते हो आप। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।